ब्लॉग के एक नए सेशन में मैं शशि आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे ईडाई के बारे में। कल हम लोगों ने देखा था व्हाट इज ए इंश्योरेंस, हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस और जो रिफॉर्म्स हुए हैं इंश्योरेंस सेक्टर में उसके बारे में, कहां से ईडाई का जन्म हुआ। तो थोड़ा सा क्विक रिविज़न हम हिस्ट्री को कर देते हैं। बाकी कल का डिटेल वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वीडियो को ज़रूर देखें। बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है रिगार्डिंग LIC AA 2021। तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री चलते हैं, थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कल के क्लास का, क्योंकि ये जरूर इससे क्वेश्चन बहुत निकलते हैं। तो सबसे पहले जो 1818 ईस्वी में द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, कहाँ, कलकत्ता में, और ये फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी था भारतीय धरती पर। तो बार बार क्वेश्चन आता है कि भारत की भूमि पर पहला इंश्योरेंस कंपनी कौन था और कहाँ उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो वो था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कलकत्ता में। उसी तरह 1850 में फर्स्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी आया था ट्रिटन, ठीक है, ये कलकत्ता में, इसका भी इस्टेब्लिशमेंट। 1870 ईस्वी में द ब्रिटिश इंश्योरेंस एक्ट आया था, ठीक है। उसके बाद 1907 में इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस कंपनी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 1912 में द इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक्ट आया था, ठीक है। 1938 में इंश्योरेंस एक्ट अमेंड हुआ था। 1956 में नेशनलाइजेशन हुआ था लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का। 1972 में जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट 1972 आया था। और 1973 में फॉर्मेशन हुआ था जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। 1999 में ईडाई आया था, ईडाई एक्ट 1999 के तहत, और 2000 ईस्वी में प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को लाइसेंस देना शुरू हो गया था। तो यहाँ तक हम लोगों ने आए थे ईडाई तक, आज ईडाई के आगे हम लोग चलेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल पर डेली करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर और इंश्योरेंस अवेयरनेस का डेली का MCQ, इसी क्लास के रिगार्डिंग जो MCQ रात में 10 बजे इसी चैनल पे होंगे, MCQ जरूर दें जिससे कि आपका परफॉर्मेंस और अच्छे हो जाए। तो याद रखिएगा रात के 10 बजे बैंकिंग ब्लॉग 1 टेलीग्राम चैनल है, इस पर ज़रूर आप लोग ऐड हो जाइए। दो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट था इंश्योरेंस रिफॉर्म से, याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि ईडाई किस कमेटी के अनुशंसा पे आया था, तो RN मल्होत्रा कमेटी, ये फॉर्मल गवर्नर थे RBI के, ठीक है। और इन्होंने 1994 में एक रिपोर्ट दिया था, उसी के सजेशन पे ईडाई का गठन हुआ था। अगर आपसे पूछेगा ईडाई का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो अप्रैल 2000 में। आप पूछेगा ईडाई किस एक्ट के थ्रू आया था, तो ईडाई एक्ट 1999। FDI अलाउ कितना परसेंट किया गया था, तो FDI अलाउ था 49% उस समय, और अभी जो परसों बजट हुआ था उस बजट में आपको 49% से बढ़ाकर अब 74% FDI लिमिट कर दिया गया। पहले भी था कुछ कुछ फ्लोटिंग FDI लिमिट 74% थे, लेकिन अब 74% ओवरऑल FDI लिमिट है, क्लियर है। अगर आपसे पूछेगा बड़ी इंश्योरेंस सेक्टर यानी इंश्योरेंस रेगुलेटर कौन है, तो ये ईडाई है। और जिस तरह से बैंकों के लिए RBI है, कैपिटल मार्केट के लिए SEBI है, उसी तरह इंश्योरेंस सेक्टर के लिए ईडाई है। अब फंक्शन ऑफ ईडाई देखते हैं हम लोग। तो हेडक्वार्टर ईडाई हैदराबाद में, और सेक्शन 14 ऑफ ईडाई एक्ट 1999 डिस्क्राइब करता है ड्यूटी, पावर एंड फंक्शन किसका, ईडाई का, ठीक है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बार बार आते हैं। सेक्शन 14 ऑफ ईडाई एक्ट 1999 ही पावर देता है ईडाई को। ऑब्जेक्टिव ऑफ ईडाई, ईडाई का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको क्यों बनाया गया, तो देखिए मेन दो ऑब्जेक्टिव्स हैं ईडाई के। पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन, जो हम लोग हैं जिसको पॉलिसी, जो लोग पॉलिसी लेते हैं उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए कि कोई कंपनी किसी पॉलिसी होल्डर के साथ कुछ गलत ना करे, उनका पैसा कहीं फंस ना जाए। सेकेंड है हेल्थी ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर, यानी कि प्रोटेक्शन के साथ साथ इंश्योरेंस सेक्टर में क्या ग्रोथ कैसे बढ़ाना है, उसमें क्या टेक्निक लाना है और कैसे इसको और आगे तक ले जाना है। तो ये मोस्ट दो ऑब्जेक्टिव्स हैं ईडाई के। और वर्क ईडाई का क्या, तो देखिए ईडाई का जो मेनली जो वर्क है
वो टू इशू ए एप्लीकेंट टू सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन रिन्यू मॉडिफाइड विदड्रॉल सस्पेंस कैंसिल इन सच रजिस्ट्रेशन, यानी रजिस्ट्रेशन देने से लेकर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का सारा काम किसके पास है, ईडीआई के पास है। सेकेंड, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर, यानी पॉलिसी होल्डर जो भी कोई पॉलिसी लेता है तो उसको कोई चीट ना करे, उसके लिए प्रोटेक्शन का सारा कंसर्न किसके पास होता है, तो वो होता है ईडीआई के पास। थर्ड, कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन कंडक्टिंग इंक्वायरी, यानी कि टाइम टाइम पे इंक्वायरी भी करना है कि कोई जो कंपनियां हैं वो किसी गलत काम तो नहीं कर रही हैं, उसके लिए बार बार ऑडिट्स भी होते हैं, ठीक है, कंपनियों के, कि वो उनका कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हैं या गलत बिजनेस तो नहीं कर रहे हैं या जो इंश्योर हैं उनसे कुछ गलत तरीके से पैसे तो नहीं ले रहे हैं। तो ये सारे काम कौन करते हैं, ईडीआई करते हैं। अगला है कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ रेट्स एडवांटेज टर्म कंडीशन, ठीक है। अब देखिए आगे हम बताएंगे इसके बारे में कि आखिर ये है क्या, लेकिन आपको यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि सेक्शन 64U ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938, ठीक है, इसके थ्रू ही कंट्रोल किया जाता है सारा रेगुलेशन ऑफ रेट्स एडवांटेज एंड टर्म एंड कंडीशंस। ऐसे अगला है रेगुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड बाय इंश्योरेंस कंपनियां, ठीक है, रेगुलेट करता है, मेंटेनेंस करता है मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी का। उसके बाद है स्पेसिफाइंग द परसेंटेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस एंड जनरल इंश्योरेंस बिजनेस टू बी अंडरटेकिंग बाय द इंश्योर टू द रूरल एंड सोशल सेक्टर, ये सारा काम है ईडीआई का। अब मेंबर ऑफ ईडीआई देखते हैं, तो हम जो भी चेयरमैन है वो सुभाष चंद्र खूंटिया है, ठीक है, और ईडीआई में टोटल 8 मेंबर होते हैं। पहला तो 4 फुल टाइम मेंबर होते हैं और 4 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं, ठीक है, जो चेयरमैन है सुभाष चंद्र खूंटिया और हेडक्वार्टर क्या है, हैदराबाद, क्लियर है। अब देखिए ईडीआई है जो सोल ऑफ अथॉरिटी ऑफ अवार्डिंग लाइसेंस, क्वेश्चन आता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी को लाइसेंस कौन देता है, तो लाइसेंस कौन देता है, ईडीआई देता है, क्लियर है। अब यहाँ पे दो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग देखेंगे। पहला है कि अगर किसी कंपनी को लाइसेंस मिल जाता है तो उसको 15 से 18 मंथ के अंदर उसको बिजनेस शुरू कर देना। दूसरा, अगर कोई नया कंपनी है उसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए 50,000 रुपया देना पड़ता है, क्लियर है, और ये सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होता है, यानी कि हर साल हर कंपनी को फिर से रिन्यू कराना पड़ता है अपना रजिस्ट्रेशन। और जब रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन में कितना फ़ी लगता है, जो रजिस्ट्रेशन का रिन्यू होता है उसमें फ़ी लगता है 0.20% ऑफ ग्रॉस प्रीमियम। आगे जाकर टर्मोलॉजी में हम लोग प्रीमियम ग्रॉस प्रीमियम के बारे में बताएंगे, तब तक अभी बस इतना जान लीजिए कि ग्रॉस प्रीमियम का 0.20% लगता है हर रिन्यूअल में। प्रिस्क्राइब किया है फाइल एंड यूज प्रोसीडर का, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा, व्हाट इज अ फाइल एंड यूज। देखिए मान लेते हैं LIC कंपनी है, उन्होंने अपना LIC जीवन आनंद उन्होंने शुरू किया, ठीक है, एक पॉलिसी है, तो उनको ये पॉलिसी को मार्केट में लाने के पहले ईडीआई को बताना होगा उसके प्राइसिंग के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में डिटेल देना होगा, साथ में कॉपी वहाँ अटैच करना होगा उनके पास, और सारा स्टैंडर्ड टर्म एंड कंडीशन बताना होगा ईडीआई को कि आप उस पॉलिसी के साथ कंज्यूमर को क्या देने वाले हैं। ये नहीं कि आप ईडीआई को कुछ बताइए कंज्यूमर को कुछ मिले, इसलिए ईडीआई प्रिस्क्राइब किया है फाइल एंड यूज प्रोसीडर को। यही होता है कि आप कोई भी अगर आप लॉन्च कर रहे हैं प्लान तो पहले ईडीआई को बताना पड़ता है, क्लियर है। ऑल इंश्योरेंस इमीडिएटरीज, देखिए ये भी हम बताएंगे आपका टर्मोलॉजी में, तो अभी बस जान लीजिए कि ऑल एजेंट एंड कॉरपोरेट एजेंट को कंपलसरी ट्रेनिंग देना पड़ता है लाइसेंस पाने के पहले, वो ट्रेनिंग होता है 100 घंटे का, ऐसे नहीं कि किसी को भी लाइसेंस मिल जाएगा, उसको 100 घंटे को ट्रेनिंग मिलता है। उसके बाद एक मिनिमम क्वालिफिकेशन टेस्ट भी होता है जिसको हम लोग रिटन एग्जामिनेशन भी कहते हैं, तो ये देना होने के बाद ही किसी को लाइसेंस मिलता है, एजेंट्स हो कॉरपोरेट एजेंट हो कोई भी हो। इंडियन इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को
स्पॉन्सर या उसको बढ़ाने का जो काम होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, किसके पास है? तो वो भी ईडाई के पास है। ठीक है, ईडाई को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि आप जो इंश्योरेंस एडुकेशन को आप आगे बढ़ाइए। ठीक है, ईडाई हैज़ ऑल्सो इंटर द MOU मोमेंटम अंडरस्टैंडिंग विथ, किसके साथ? IIM बेंगलोर के साथ। क्यों? वो ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस रिसर्च एंड एडुकेशन, यानी इंश्योरेंस सेक्टर में रिसर्च और एडुकेशन को बढ़ाने के लिए वो IIM बेंगलोर के साथ MOU किया है, और ये एक सेटअप किया है रिस्क मैनेजमेंट सेंटर कहाँ पे? बेंगलुरु में। अब आगे जब हम एडवांस सिलेबस का पहला टॉपिक ही है मेरा रिस्क मैनेजमेंट, तो हम लोग इसमें जानेंगे क्या करिए रिस्क मैनेजमेंट सेंटर क्या है। देखिए, ईडाई नोटिफाई प्रोटेक्शन ऑफ द पॉलिसी होल्डर रेगुलेशन। आपको पता है कि कोई भी पॉलिसी होल्डर है तो उसका प्रोटेक्शन देने का सारा काम किसके पास है? ईडा के पास है। ठीक है, तो अप्रैल 2002 में, ठीक है, विच प्रोवाइड द पॉलिसी प्रपोजल डॉक्यूमेंट बींग द मेड अवेलेबल फॉर ईजी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, यानी ईडाई का कहना है कि आप जो भी प्लान बेचते हो उसके रिगार्डिंग जो भी सर्टिफिकेट देते हो वो ईजी अंडरस्टेबल लैंग्वेज में होना चाहिए, और उसको बताना पड़ेगा पॉलिसी होल्डर को कि इसमें ये मिलेगा। आप हर प्लान के बारे में, जो भी प्लान आप किसी को बेच रहे हैं उसका सर्टिफिकेट अगर आप देते हैं तो उसमें ईजी अंडरस्टेबल होना चाहिए, और ये दोनों लाइफ और नॉन लाइफ सेगमेंट दोनों के लिए, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी और नॉन लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी। ठीक है, और ईडाई ने कहा यह भी है कि हर कंपनी को अपना सेटअप करना है क्या, ग्रीवनांस रेडियंशियल मशीनरी, यानी कि शिकायत सेंटर जहाँ पे हर उपभोक्ता अपना शिकायत सुना सके, ये मैंडेटरी है, हर कंपनी के पास ये होता है। आपको स्पीडी सेटलमेंट ऑफ क्लेम एंड पॉलिसी होल्डर सर्विलांस सिस्टम, ठीक है, यानी कि आपको जल्दी से जल्दी निपटारा करना है क्लेम्स का पॉलिसी होल्डर के लिए। दिस रेगुलेशन ऑल्सो प्रोवाइड द इंटरेस्ट फॉर डिले पेमेंट ऑफ क्लेम एंड फ्री लुक इन पीरियड ऑफ 15 डे। मान लेते हैं कि कोई मेरा पॉलिसी ख़त्म हो गया, उसका रीपेमेंट में हमको बहुत समय लगा रहा है, तो ईडाई का कहना है कि भाई आपको अगर ज़्यादा समय लग रहा है पॉलिसी सेटलमेंट में तो आपको उसके बाबत इंटरेस्ट भी देना होगा। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं, देखते हैं पॉलिसी होल्डर ग्रीवनांस रेडियंशियल सिस्टम क्या है। मान लेते हैं आप एक कंप्लेंट है, आपका कोई कंप्लेन है, आपको कोई पॉलिसी लिए थे उसमें कुछ प्रॉब्लम के कारण आप कंप्लेन कर रहे हैं। तो देखिए, दो टाइप के कंप्लेंस होते हैं। पहला तो आप जाइएगा इंश्योर के पास, इंश्योरेंस का अपना एक IGMS पोर्टल होगा, ठीक है, आप जाके इंश्योरेंस को क्लेम कीजिएगा, किसके थ्रू? IGMS पोर्टल के थ्रू। तो वो रिस्पॉन्ड करेगा किसको? आपको, कंप्लेंट आप हैं तो आपको रिस्पॉन्ड करेगा। तो रिस्पॉन्ड करेगा यानी कि वो पूछेगा आपसे, भाई प्रॉब्लम आपका क्या है? तो तीन चीज़ हो सकता है, आप अपना प्रॉब्लम बताइएगा तो प्रॉब्लम वो सॉल्व करेगा तो सेटिस्फैक्ट्री, तो आपका वो कॉल क्लोज हो जाएगा। दूसरा नॉन सस्पेक्ट्री, यानी कि आप उससे खुश नहीं हैं तो ऑटोमेटिकली आप ईडाई के पास चला जाएगा। और दूसरा कि आप चाहते हैं कि नहीं भाई हम चले जाएं लोकपाल में या सिविल कोर्ट में चले जाएं, आपको जाना चाहते हैं कोर्ट में, तो यहाँ से आप कोर्ट के थ्रू भी जा सकते हैं। ये हो गया ये। अब एक दूसरा पोर्टल्स है कि डायरेक्ट ईडाई के पास अपना ग्रीवनांस कॉल सेंटर है कि आप डायरेक्ट ईडा को ही कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ईडाई क्या करेगा, वो उसको ट्रांसफ़र करेगा इंश्योर के पास ही, यहाँ से आप इसके पास जाइए, यहाँ से इसके पास जाइए, ठीक है। तो फिर वो सेम प्रोसीजर होगा, इंश्योरेंस जो भी कंपनी होगा डज नॉट रिस्पेंड करेगा, ठीक है, डज नॉट रिस्पॉन्ड करेगा यानी कि वो उस कॉल को नहीं रिस्पॉन्ड करेगा, तो फिर ईडाई उसको देखेगा, ठीक है। इसके बाद भी, यहाँ के बाद जब हम लोग यहाँ पे आए थे कि हम कोर्ट में जाना चाहते हैं, मान लेते हैं कोई कंपनी का कोई आप क्लेम करते हैं, आप उसके आंसर से खुश नहीं हैं तो आप उसको चाहते हैं कि नहीं इसको हम कोर्ट में देखेंगे, तो कोर्ट में देखने का भी रूल्स हैं, आइए देखते हैं वो रूल्स। डिस्ट्रिक्ट फोरम, अगर 20 लाख, ठीक है, अगर 20 लाख तक का आपका क्लेम है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेन करेंगे,
अगर 20 से 1 करोड़ तक का आपका केस है तो स्टेट फोरम देखेगा, अगर 1 करोड़ से अधिक का तो आपका नेशनल फोरम देखेगा, ये जो कि दिल्ली में सेटअप है। ठीक है, अब आगे आइए। आप कंज्यूमर कोर्ट से खुश नहीं हैं, सिविल कोर्ट से खुश नहीं, क्योंकि इस बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, पैसा भी लगता है, समय भी लगता है। तो भारत सरकार ने एक नया सिस्टम बनाया हुआ है ओम्बड्समेंट का, यानी कि लोकपाल का, इंश्योरेंस लोकपाल का, तो इसमें आप जा सकते हैं। अब आइए देखते हैं इंश्योरेंस लोकपाल आखिर होता क्या है। देखिए, इंश्योरेंस लोकपाल में एक सरकारी आदमी बैठा होता जो कि आपके और कंपनी के बीच में मीडिएटर का काम करता है, उसको आगे इंश्योर के पास, यानी जो कंपनी है उसके पास पहुंचाता है और बताता है कि भाई मेरे पास ऐसा केस आया है, आप ये कर दो तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे देखा जाएगा। तो इसमें दो क्वेश्चंस आते हैं, इंश्योरेंस ओबर्डेंस में कितना तक आप केस कर सकते हैं, तो ये 30 लाख, 30 लाख से कम अमाउंट ही जाएगा किसके पास, इंश्योरेंस लोकपाल के पास। ठीक है, और इसमें दो केस और हैं, वो भी देखेंगे हम लोग, कि तभी आप केस कर सकते हैं लोकपाल के पास जब आपका एक ईयर, ठीक है, से कम समय हो। मान लेते हैं कि अगर आप कहीं पे LIC में आपका कुछ क्लेम पड़ा हुआ है और जब तक वो फाइनल रिप्लाई नहीं देता है कि भैया अब हम नहीं कुछ कर सकते, ये मेरा फाइनल आंसर है, तो फाइनल आंसर देने और केस करने, जो लोकपाल में केस करने के बीच में 1 साल से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए, विद इन 1 ईयर। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, बहुत इम्पॉर्टेंट है, 1 साल के बाद नहीं सुना जाएगा आपका बात। ठीक है, दूसरा कि अगर आप केस कर रहे हैं तो आपका जो भी मैटर हो वो कहीं भी पेंडिंग नहीं होना चाहिए किसी भी कोर्ट में, यानी कि कहीं सिविल कोर्ट में आपका मैटर पेंडिंग है और उसी केस को लेकर आप लोकपाल में जाइएगा तो नहीं सुना जाएगा। ठीक है, तीसरा, द अवार्ड पास बाय ओम्बड्समैन। देखिए ये अवार्ड्स क्या होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, यानी कि मान लेते हैं कि आपका पैसा फंसा हुआ है LIC में, तो आप लोकपाल में गए हैं, तो लोकपाल वाले जाके LIC को बोला है कि भाई इसका सेटलमेंट है 20 लाख का, कर दो, तो जो भी लोकपाल बोलेगा LIC को तो उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि वो सारा रूल रेगुलेशन के साथ बोलेगा। ठीक है, तो इसी को अवार्ड्स बोलते हैं, द अवार्ड्स पास बाय ओम्बड्समैन आर बाइंडिंग टू इंश्योरेंस, तो दे आर रिक्वायर्ड टू ऑनर द अवार्ड, यानी उसको मानना ही है विद इन द 3 मंथ, 3 महीना के अंदर। ठीक है, इससे ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। तो ये है इंश्योरेंस लोकपाल, क्लियर है। कल हम लोग देखेंगे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यानी LIC के बारे में, और नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी टाइप ऑफ इंश्योरेंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम लोग डेली क्लास करेंगे और जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करेंगे और अच्छे स्कोर लाएंगे इस सेक्शन में। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, जैसे कि आप लोग रात में MCQ बना पाएँ। थैंक यू, धन्यवाद।